हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, बड़ी खुशखबरी छात्रों के लिए आ चुकी है, आरआरसी ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम डेट को लेकर। जी हां फ्रेंड्स, रेलवे द्वारा परीक्षा तिथि घोषित, कब परीक्षा होगी, आपकी एग्जाम कब होगा एनटीपीसी साथ ही ग्रुप डी की भी बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहेगा। जो अभ्यर्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, मैं रेलवे की हर अपडेट वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहता हूँ, इसलिए आप टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप 1,000 रुपये तक का कैशबैक पाना चाहते हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन मैंने फोरपेन एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप जो है 1,000 रुपये तक का कैशबैक पा सकते हैं, जिससे आप अपना रिचार्ज वगैरह या पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ध्यान रहे, जो डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दी है उस पर क्लिक करके आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, तभी आपको कैशबैक दिया जाएगा। तो देख सकते हैं livehindustan.com पर आज की न्यूज को प्रकाशित किया गया है। बोला गया है कि आरआरबी एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम डेट 2019 पढ़ रेलवे एनटीपीसी व लेवल 1 भर्ती परीक्षा तिथि पर लेटेस्ट अपडेट। तो बड़ी खबर छात्रों के लिए है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपडेट जो आया हुआ है वो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा, बताया गया है कि आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 और आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा तिथि एडमिट कार्ड शेड्यूल और एग्जाम सेंटर की डिटेल्स बहुत जल्दी जारी होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। जल्दी रेलवे भर्ती रेलवे परीक्षा तिथि लेकर सामने आएगा। गौरतलब है कि आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है एग्जाम जून और सितंबर के बीच होने वाला था, और जो ग्रुप डी का एग्जाम था वो सितंबर और अक्टूबर के बीच में होने वाला था, लेकिन आधा नवंबर से ज़्यादा बीत चुका है टाइम, अभी भी कोई एग्जाम डेट सीबीटी 1 की ऐलान नहीं हुई है। आपको बता दें कि एनटीपीसी में 35,208 पदों के लिए 1,26,00,000 से भी ज़्यादा फॉर्म आए हुए हैं। यहीं पर हम ग्रुप डी की बात करें तो 1,00,000 से ज़्यादा पदों पर जो है 1,15,00,000 से ज़्यादा फॉर्म आवेदन आए हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है परीक्षा एजेंसी ना मिलने के कारण परीक्षा को जो है डिले किया जा रहा है, और जल्दी ही आपकी परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम आपका जो है एनटीपीसी का, उम्मीद है कि सितंबर में कंडक्ट करवा दी जाए। अगर नहीं होता है तो 101% आपका जनवरी में कंडक्ट करवा ही दिया जाएगा, और उसके बाद आपका ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। फोरपेन एप्लीकेशन के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके फोरपेन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें।